मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी प्रॉब्लम है आपको पैसिव बनाने के टाइम, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सारी सॉल्व हो जाएंगी। और इस वीडियो के लास्ट तक पैसिव वॉइस आपको कभी भी बनानी नहीं आई, मान ली 6, 7, 8 में भी सिखाई गई होंगी, नहीं बनानी आई 9, 10th में, 11, 12th में, 6 से लेकर 12th तक पैसिव वॉइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत ज़रूरी है समझना, और आज हम इसको बनाना इस तरीके से बताएंगे, इतना इजी भाषा में बताएंगे कि एक बच्चा भी पैसिव वॉइस बना सकता है। 5th क्लास को भी दोगे तो वो भी बना सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि इसके अंदर मैं बहुत ही एक एक करके आपको नहीं लेके चलूँगा कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिटी बताऊं, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बताऊं। तो एक पैसिव वॉइस ही इतना बड़ा हो जाएगा कि ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, 2-4 महीने भी निकल सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, और तब भी आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए मेन मतलब समझना है कि पैसिव बनाते टाइम हमें ध्यान किस बात का रखना है, और जब हम बनानी हमें आ गई कि पैसिव बनाते टाइम हमें करना क्या है, तो फिर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मॉडल्स हो, कोई अलग नियम भी हो पैसिव बनाने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है आपकी। एक्टिव वॉइस बच्चों, आपने जो 12 टेंस सीखे, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर, ये जितने भी आपने टेंस सीखे हैं अभी तक, वो सब क्या हैं, वो एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका काम करने वाला मेन माना जाता है, यानी मुख्य क्या है आपका उसमें, सब्जेक्ट यानी कर्ता। लेकिन पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस हमेशा कर्म प्रधान बोला जाता है, पैसिव वॉइस में हम कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को एज ए ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक सब्जेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बता दूं, वह गाना गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, वह गाना गाता है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलें, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है, या ऐसे बोल दो, गाना मेरे द्वारा गाया जाता है, तो गाना जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपने क्या मान लिया, ये मान लिया आपने एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। सब्जेक्ट तो ही रहेगा, गाना कौन गा रहा है, मैं। ठीक है ना, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया, यानी गाना मेरे द्वारा गाया जाता है, तो यह होगा आपका पैसिव वॉइस। देखिए 6, 7, 8 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 9, 10th में तो मस्ट है, एग्जाम में आता ही आता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। और 11th एंड 12th के अंदर, 11th एंड 12th में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर यूज ऑफ पैसिव वॉइस आपका सिखाया जाता है। तो 6 से लेके 12th तक का जो कवर हो जाएगा आपकी इसी वीडियो के अंदर, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए एक्टिव क्या होती है, देखना, एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले आपका क्या आता है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी, वर्ब। वर्ब में बच्चों दोनों ही चीज शामिल है, हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी। तो वर्ब आ गई, वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो आपके अदर वर्ड हैं ईटीसी वो आ जाएंगे। तो ये तो होता है आपका नॉर्मली एक्टिव का एक स्ट्रक्चर। देखिए पैसिव बनाते टाइम हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे हम, एज ए सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। और जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और मैक्सिमम टाइम ऐसा देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो बाई लगा के बनाएंगे,
तो आपने बना लिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और आप सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लगा के, बाय लगा के बनाएंगे। और देखना वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म हो वर्ब की, पैसिव के अंदर हमेशा यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर तो सेम ऐसा ही रहेगा जैसा एक्टिव का है, वैसा ही स्ट्रक्चर किसका रहेगा? पैसिव का। फर्क क्या है? बस ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब की कोई सी फॉर्म हो आपकी यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां तक का तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए कि पैसिव बनाते कैसे हैं। देखिए पैसिव में देखिए कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टेंस, इसका क्या मतलब है देखना। जो 12 टेंस आप जानते हो, इस वीडियो के अंदर हम 12 टेंस के, 12 टेंस जो होते हैं आपके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उनकी पैसिव बनाना बताएंगे। आप ये भी जानते हो कितने टेंसों की पैसिव बनती है, इनमें से 8 टेंसों की बनती है, वो हम आगे बता देंगे, और जिन 4 की नहीं बनती है वो क्यों नहीं बनती है वो भी बता देंगे। तो बनाएंगे कैसे वो समझिए जरा। पैसिव बनाते टाइम ध्यान रखना है कि अगला जो आपका टेंस होगा उसके अंदर पैसिव बनेगी। अगला मतलब समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उससे अगला कौन सा आता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस। और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से अगला कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट से अगला कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये इसी तरीके से तो होते हैं चारों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगले टेंस के अंदर आपकी पैसिव बनेगी, इसका क्या मतलब है? यानी अगर आपका एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उससे अगला होता कंटिन्यूस, तो आप कंटिन्यूस के अंदर उसकी पैसिव बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपका परफेक्ट है तो उससे अगला कौन सा आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें आप उसकी पैसिव बनाओगे। अब बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस से अगला कौन सा होता है? परफेक्ट, उसे नहीं बनाएंगे। क्यों? दूसरा पॉइंट देखिए कि पैसिव जो ऑलवेज आपको बनानी है वो किस में बनानी है? आपकी कंटिन्यूस के अंदर बनानी है। पैसिव हमेशा क्या बनेगी? कंटिन्यूस के अंदर बनेगी। तो इंडेफिनिट का अगला क्या होता है? कंटिन्यूस, उसमें तो हम बना देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस ही दे दिया और उसकी पैसिव बनाने के लिए बोला, तो बच्चों कंटिन्यूस की पैसिव बनेगी खुद कंटिन्यूस में ही, और थोड़ा सा एक अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा वो मैं आगे जब बताऊंगा ना तो उसको मैं समझा दूंगा। इतना आप समझ लीजिए, कोई सी भी पैसिव आपको दे दे बड़ी इजीली आप बना दोगे। बस इतनी बात समझ लीजिए कि 12 टेंसों में जो पैसिव बनती है वो क्या बनती है? उससे अगले में कंटिन्यूस में बनती है। और ध्यान देना, जितनी भी पैसिव बनेंगी 12 टेंस की हो, मॉडल्स हो, मस्ट, वुड, शुड, कुछ भी हो, पैसिव बनेगी कंटिन्यूस में। अगर कंटिन्यूस में वो नहीं है तो उसको बी जोड़ के जो भी कुछ भी करके हम उसको पैसिव बना लेंगे, वो आगे हम बताएंगे। पैसिव बनाते टाइम किन और बातों का आपको ध्यान रखना है वो समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली बात तो हम समझ गए कि 12 जो टेंस हैं उनमें पैसिव बनेगी कंटिन्यूस में, उससे अगले में कंटिन्यूस बनेगी पैसिव। अब ध्यान दीजिए, ये क्या दे रखे हैं आपके? चार स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर को मैंने कई बार बताया है, कई बार डिस्कस किया है, और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों अगर ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में नहीं आए ना तो आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, तो वो आसानी से समझ लेगा, जिसको नहीं आते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। और बार बार कोई चीज इसलिए कराई जाती है, बार बार करने से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगा, ये मेरे बताने से याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बार आपको हर वीडियो में बता दूंगा कि आपको देख लेना, बस देख के याद हो जाएगा। तो आप समझना, स्ट्रक्चर तो सेम ही लगना है ना, एक्टिव का भी स्ट्रक्चर वही, पैसिव का भी वही। एफर्मेटिव देखना, एफर्मेटिव कैसे बनाओगे? देखिए एफर्मेटिव जो होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? ईटीसी यानी अदर वर्ड। निगेटिव में क्या होता है बताइए? जब जिस काम को मना कर देते हैं वो क्या होता है आपका?
निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव में नॉट का यूज करते हैं। तो नॉट का यूज कहां करते हैं, सेम स्ट्रक्चर एफर्मेटिव के जैसा रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होना है। बस इतना याद रख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब से पहले। और ये वर्ब वी है यानी मेन वर्ब, और हमने वी से क्यों डिनोट किया इसे। अब यहां फर्स्ट फॉर्म आओ, सेकंड फॉर्म आओ, थर्ड फॉर्म आओ, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आपको वी समझना है। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। बच्चों किससे शुरू होते हैं, क्या से, और उनको इंग्लिश में किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए स्ट्रक्चर, उनको किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे, देखना हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में कहाँ है, निगेटिव के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ, यहाँ इसको इसकी जगह पे ले जाएंगे शुरू में। तो ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, बाकी सेम स्ट्रक्चर सेम आपका है, नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, ईटीसी के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। क्या करना शुरू में, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेने आना है बस। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, देखिए इसे कैसे बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। पहली बात तो ये समझिए कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होते क्या है। हिंदी के अंदर जिन वाक्यों के बीच में कहीं भी कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, अगर ये आते हैं तो किससे बनाएंगे इन्हें, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, सारा स्ट्रक्चर सेम, बस क्वेश्चन वर्ड आप ले आइए शुरू में, किसमें ले आइए, शुरू में। तो ये स्ट्रक्चर हो गए, ये चारों का अच्छे तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि बिना इसके आप पैसिव नहीं बना पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे 6, 7, 8 के हमें फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, 12th तक आपको टेंशन नहीं आनी, ना पैसिव में, ना इनडायरेक्ट में, ना टेंस को ट्रांसलेट करने में, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड जो चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केस कारक, पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, केस कारक वाली टेबल, या आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना हो, ये मस्ट है, बहुत जरूरी है, बिना इसके आप नहीं बना पाओगे। तो देखिए क्या होता है, आपको पता ही इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, राम को इंग्लिश क्या होगी बताइए, राम की इंग्लिश राम, श्याम की इंग्लिश श्याम, सीता की इंग्लिश सीता, ऐसी तो लिख देंगे। लेकिन दिक्कत आती है बच्चों प्रोनाउन में, प्रोनाउन में दिक्कत आती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग प्रोनाउन यूज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग प्रोनाउन यूज होता है। और एक बात और बता दूं, जो संबंध अपना बताते हैं ना हम, ये मेरी किताब, हमारे पिताजी, उनके लिए अलग प्रोनाउन यूज होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं, एक तो आई और एक वी, ये 2 प्रोनाउन होते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। इसमें देखिए ध्यान रखना, ये बात भी एकदम याद होनी चाहिए आपको कि फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी। तो सब्जेक्टिव केस पहला मैंने लिख रखा है, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, यानी एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं। और अगला है आपका पजेसिव केस यानी संबंध कारक, यानी किसी से, किसी वस्तु से, किसी चीज से, किसी इंसान से अगर अपना लिंक बनाना है यानी संबंध बताना है, तो इन्हीं पजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस देखिए, ऑब्जेक्ट का ही आप नाम से ही समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कारक, इसका मतलब क्या है, कर्म कारक। तो कर्म के रूप में कैसे प्रोनाउन यूज होता है वो इसमें हम देखेंगे। देखिए आई, आई अगर पजेसिव केस में यूज होगा तो कैसे होगा, माई, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या, मी, यानी अगर आई सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल होगा तो कैसे यूज करेंगे, आई। अगर आई यानी मैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, जिसे हम बोलते हैं मुझे, तो वहां क्या लगाएंगे आपका, मी। और अगर यूज करें कि मेरी किताब यानी माई बुक, तो कैसे यूज करेंगे, माई बुक, ठीक है ना। तो ये मैंने समझा दिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये, संबंध किसी से बताना है तो पजेसिव केस, और आपका अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर वो प्रोनाउन इस्तेमाल होना है तो ऐसे ही होगा, मी। नेक्स्ट समझिए, तो वी का याद कैसे करेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, वी आवर अस, वी आवर अस, आई माई मी, पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा पजेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस,
देखिए यू, तुम या आप, तो इसका क्या बनेगा देखना, यू योर यू, इसके तीनों केस क्या होते हैं, यू योर यू। थर्ड पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन देखना, सेकंड पर्सन का केवल एक ही प्रोनाउन होता है जो आपको याद रखना है, वो होता है यू। और देखना इसका सब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, और पजेसिव केस क्या होता है इसका, योर। अगला देखना, थर्ड पर्सन के होते हैं आपके चार मेन प्रोनाउन होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि इन प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, एक तो ये फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए हैं बताए जाने। तो ही का क्या आएगा देखना, ही आता है लड़कों के लिए यानी मेल के लिए, शी का मतलब भी वह होता है, ये आएगा फीमेल के लिए, इट का मतलब यह है या वह होता है, ये आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए या मौसम या बरसात, इस टाइप की चीज़ों को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट का। तो इसके तीनों केस हमने बता रखे हैं। और आपका दे होता वे, थर्ड पर्सन में अगर एक से ज़्यादा लोगों को बताना है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो क्या लगाएंगे, दे का यूज़ करेंगे। जैसे राम, श्याम और गीता स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वे स्कूल जा रहे हैं, तो दे का यूज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए अब इनके केस समझ लिए, ही का ही, हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर दे, बड़ा आसान है। तो याद कर लेंगे, पहला सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, दूसरा संबंध कारक यानी पजेसिव केस, और आपका तीसरा यानी ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपके थर्ड पर्सन, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 12 टेंसों में से किन किन की पैसिव बनती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताएंगे कि जो आपने 12 टेंस सीखे हैं उनमें से कितनों की पैसिव बनती है और कितनों की नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 12 टेंस में से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव बनती है, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, 12 टेंसों में से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव बनती है। क्यों बच्चों, वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि केवल 8 टेंसेस को ही पैसिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बाकी के जो 4 बचे उनको हम पैसिव में कन्वर्ट उनको कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं बताऊं, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, 12 टेंस में से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव बनती है। क्यों बच्चों, क्योंकि 12 टेंसों में से केवल 8 टेंसेस को ही कंटिन्यूस में आपका चेंज करना पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम उसको कंटिन्यूस में चेंज नहीं करेंगे पैसिव नहीं बन पाएगी, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके बाद आप समझ लिए, आप समझिए कि आपका कौन सा टेंस है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पैसिव बन जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ध्यान देना, जो तीनों आपके हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, एक तो इनकी पैसिव नहीं बनेगी, और एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, एक इसकी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है ना। बाकी के कितने बचे, 8, सबकी पैसिव बनेगी। मैं इसको बता देता हूं कि क्यों नहीं बनेगी, लेकिन उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि कैसे हम इन टेंसों को पहचानेंगे, और पहचानने के बाद इनको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पहचानोगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आपको दिया है पैसिव बनाने के लिए, कैसे पहचानोगे, देखिए बताता हूं। दो तरह का हो सकता है आपका, या तो एफर्मेटिव या निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एक कंडीशन ये चेक करनी है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली दी हुई है या नहीं। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कि एफर्मेटिव में ओनली वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और आपको रूल पता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव में। अगर सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव का है तो कैसे पहचानेंगे बच्चों, आप पहचानोगे, आप देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब डू या
डज और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज भी नजर आ जाए ना और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लेना, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मुझे भाई एक बात बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा अगला सेंटेंस, सॉरी अगला टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसी में पैसिव बनेगी। तो आप इसको किस में कर दोगे, इंडेफिनिट को कंटिन्यूस में चेंज कर दोगे। कंटिन्यूस में चेंज कैसे करोगे? कंटिन्यूस में चेंज करने का मतलब है बच्चों कि उसकी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर लो, उसको यूज कर लो उसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, समझना। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम और आर। बात समझना, मैंने 12 टेंस भी आपको बताए और मैं आज पैसिव आपको बनानी बता रहा हूं। दोनों में आपने नोट किया होगा कि मैं दो चीजें बताता हूं स्ट्रक्चर से अलग, एक तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी और एक वर्ब कौन सी लगेगी। तो मैंने यहां आपको वर्ब नहीं बताई, वो इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पता ही है पैसिव में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। किसका होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है बार बार, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आप रूल देखोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव किस में बनेगी, आप कहोगे जी प्रेजेंट परफेक्ट में। नहीं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगले में तो चेंज करना है लेकिन करना किस में है, कंटिन्यूस के अंदर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से तो अगला परफेक्ट हो गया है तो करना ही नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव किस में बनानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में खुद में ही बनेगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, पहले तो आप पहचानिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आप पहचानोगे कैसे। देखिए आप देखते हो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर आप ये दो बातें देख लेते हो तो बच्चों आप समझ जाते हो कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, ओ हमने इधर लिख दिया ये, चलिए कोई नहीं ऊपर लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तो ये यूज करना है, ठीक है। तो वो ऊपर का नीचे लिख गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हम पहचानते कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को, कि इज, एम, आर के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव किसमें बतानी थी, किसमें बनानी थी बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही। तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही लगेगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो इज, एम, आर होती है, कुछ और नहीं होती। तो हेल्पिंग वर्ब यहां भी वही और यहां भी वही, तो ये तो सेम हो गया बच्चों। तो जहां हेल्पिंग वर्ब हम चेंज ना कर पाए तो कंटिन्यूस बनाने के लिए आप इस्तेमाल करोगे बी का। ये पॉइंट याद रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे उसका, बी का। और एक चीज और देखना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी है आपका। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या करेंगे, इस आईएनजी को भी लेना होगा क्योंकि आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे पैसिव के अंदर, आप करोगे थर्ड फॉर्म। तो ये आईएनजी कहां जाएगा प्यारे बच्चों, ये आईएनजी आ जाएगा इसके अंदर बी के साथ में और इस तरीके से बनेगा बीइंग। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इज, एम, आर सेम हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में क्या, बीइंग। और इस तरीके से आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की पैसिव बन जाएगी। अब चलते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानते हो बताइए? आपको पता ही है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, बताइए बताइए क्या लगती है, बताना, हैज या हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी, हैज या हैव, और उसके साथ में वर्ब कौन सी बताइए? आपको पता ही है सारे परफेक्टों में थर्ड फॉर्म, सारे परफेक्टों में थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो मुझे बताइए परफेक्ट से अगला टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको बताएं तो अगले में करना है, अगले में करना है और कंटिन्यूस में करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो करिए, तो मुझे ये बताइए बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, बताइए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव होती है, लेकिन साथ में होता है कंटिन्यूस होने की वजह से बीन। क्या होता है, बीन।
आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ में क्या आएगा, बीन। आगे देखना, तो ये प्रेजेंट के तो तीनों हो गए, अब पास्ट का चलते हैं। जैसे इनको बनाया है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप सोच रहे होगे कि सर एक साथ आठों को क्यों बता रहे हैं, एक एक करके क्यों नहीं बता रहे, एक एक करके बताइए हम आसानी से सीख लेंगे। ध्यान देना बच्चों, जब तक आप नहीं समझोगे ना इनके अंदर अंतर, डिफरेंस, और इनके अंदर जो समानता है कि इनके अंदर क्या क्या समानता है, तब तक नहीं सीख पाते। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाऊंगा और जब तक फ्यूचर इंडेफिनिट तक पहुंचूंगा ना, पिछला आप आधा भूल गए होगे क्योंकि अलग अलग सीख रहे हो ना। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि सामने चार बच्चे हैं, दो लाल शर्ट में, दो काली शर्ट में, ठीक है, तो आप पहचान लोगे ना कि ये दो लाल शर्ट वाले हैं, दो काली शर्ट वाले, तो दोनों की पहचान अलग अलग होगी। और चारों में समानता क्या है कि चारों लड़के हैं। तो जब तक ऐसा नहीं समझोगे ना, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी और पैसिव बनने नहीं है। इसलिए एक साथ लिए जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस अलग अलग कर लेना, प्रैक्टिस अलग अलग कर लेना, पर सीखना तो आपको एक साथ ही होगे इनके सारे रूल। क्योंकि देखिए, मैंने प्रेजेंट के तीनों बता दिए, तो पास्ट के ही कोई अलग है, पास्ट के भी तीनों इनके जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है, बस वो अंतर दिमाग में रख लो, बन गए, सो सिंपल। देखिए, वाइन इंडेफिनिट की जो पहचान थी वो यहां होगी, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे पहचानते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट तो तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इसमें अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो आपकी आती है किसके अंदर, अफर्मेटिव में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखोगे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट, और हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वो कहां आएगी, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर आएगी वो। ये भी जो डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म जो आएगी, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएगी वो, एफर्मेटिव में नहीं। तो देखिए, अब इसको पैसिव कैसे बनेंगे, जैसे इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया था, इसको भी कर लो, किसमें करोगे बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, नहीं, पास्ट का अपना कंटिन्यूस है उसमें करो, तो किसमें करोगे, पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो बताइए, वॉज वर, और वॉज वर ही लगा देना, बस बन जाएगी आपकी, जब आप कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा तो पैसिव भी बन जाएगी। नेक्स्ट देखना, पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव किस में बनाएंगे बताइए, पास्ट कंटिन्यूस से अगला कौन सा, परफेक्ट, तो परफेक्ट में तो करना नहीं है, पैसिव बनेगी केवल कंटिन्यूस में, पैसिव बनेगी केवल कंटिन्यूस के अंदर, तो कंटिन्यूस में चेंज होके ही पैसिव बनेगी, ये बात समझ लेना सही से। तो पास्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, वॉज वर, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये मिलेगा आपको। और आपकी पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव किस में बनेगी, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम आएगी ना, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और जहां हेल्पिंग वर्ब सेम आई, समझ लेना कि बी लगा के इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, और ये जो आईएनजी है ना, इसको भी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बीइंग। तो इस तरीके से वॉज वर के साथ में बीइंग लगा देंगे तो कंटिन्यूस की पैसिव बन जाएगी। अब आइए आप परफेक्ट पे, किस पे, पास्ट परफेक्ट पे। तो जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बना ऐसी है, तो अगला कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले बताइए पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे बताइए, कौन सी लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट में लग गई, इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। इन दोनों बातों को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट की पैसिव किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के साथ में बीन, बस समझ गए ना, ये भी एक बी का पार्ट है, तो बीन जो बना है ये भी इसी बीन की वजह से कंटिन्यूस बना है। आप देखिए, अब आती है बात फ्यूचर की, इसकी बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव किस में, अपने से अगले में, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में,
तो पहले ये बताइए बच्चों कि फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानोगे कैसे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके अंदर, बताइए। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी विल या शैल, और विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कोई भी मिले और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, समझ लेना बच्चों कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव बनेगी। तो एक बात मुझे बताइए जरा आप, फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है बताइए? नहीं पता तो देख लीजिए, विल शैल ही लगती है, और विल शैल के साथ में बी। बी क्यों लगता है देखना, जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो पैसिव यानी कंटिन्यूस बी लगा के ही बनेगा। जब हेल्पिंग वर्ब आप नहीं बदलोगे ना, तो कंटिन्यूस बनाते टाइम बी लगा के कंटिन्यूस बनाओगे, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल के साथ में बी, वही इस्तेमाल करनी है। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस की क्यों नहीं बनती पैसिव, अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस की क्यों नहीं बनती और बाकी जो तीन बचे उनकी क्यों नहीं बनती, ध्यान से देखना। फ्यूचर कंटिन्यूस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल शैल के साथ में बी, विल शैल के साथ में बी। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की फ्यूचर कंटिन्यूस में ही पैसिव बनाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल शैल के साथ में एक बी तो पहले से ही है, एक बी और लेना पड़ेगा यानी बींग। तो बी या बींग एक साथ आ सकते हैं क्या बच्चे? नहीं आ सकते। बी या बी दो बार आ गया ना, एक बी ये एक बी ये, तो दो बार बी इस्तेमाल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनती। अब देख लेते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनकी क्यों नहीं बनती। आप देखोगे इनके अंदर, जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लूं, हैज या हैव के साथ में, क्योंकि इसके जैसे ही है सब, हैज हैव के साथ बीन आता है, तो ऑलरेडी बी इसके अंदर है, ऑलरेडी बी है, तो जब इसकी आप पैसिव बनाओगे तो इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप, बी का और आईएनजी का। तो मुझे बताइए कि दो बी पॉसिबल है क्या एक साथ लगनी, नहीं पॉसिबल है, इसलिए इन चारों की पैसिव नहीं बनती, ठीक है ना। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट इसकी कैसे बनाओगे, फ्यूचर परफेक्ट यानी आपका कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है विल या शैल। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, 12 टेंसों में सबकी पहचान मैंने बता दी है, दोबारा क्यों लिख रहा हूं, पैसिव बनाते टाइम मुझे ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, किसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है, तभी तो मैं कन्वर्ट करूंगा, तभी पैसिव बना पाऊंगा, वरना मिस्टेक हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में क्या आता है जी, हैव, क्या आता है, हैव, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल के साथ क्या आता है, हैव और उसके थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे देखना, इसको किस में चेंज कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देखो परफेक्ट में कौन सी थी बताना, विल शैल तो थी, विल शैल के साथ में क्या थी और हैव, और साथ में क्या कर देंगे बीन, यानी इसको परफेक्ट कंटिन्यूस की जो बीन है वो लगा देंगे, तो आपकी फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बन जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो ये सारे रूल्स आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आज के लिए बस इतना ही। तो 12 टेंसों में से 8 टेंसों की पैसिव कैसे बनती है ये हमने आपको समझा दिया, तो इनको स्टडी करिए, समझने की कोशिश कीजिए, और एक साथ तभी तो उसका डिफरेंस समझ पाएंगे। और ये बताना कि आपको ये रूल यानी एक साथ आठों टेंस बताने का अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी चीज़ आज की वीडियो में आपको ज़्यादा बेटर लगी या समझ में आई वो बताना कमेंट में, या जो नहीं आई जिससे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें वो भी आप बताना, ठीक है ना बच्चों। तो और एक चीज़, अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और रूल लेके आएंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी साथ में लेके आएंगे, आज केवल रूल्स के लिए थे, तो रूल्स लिए थे तो कोई हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं करवाई, कोई एग्जांपल नहीं करवाए, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।
तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।